नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल एग्ज़ाम में। तो यूपी स्पेशल की सीरीज़ चला रखी है हमने, तो उसका ये 11वां वीडियो लेके आया हूँ। 11वां टॉपिक है ये, जिसका जो है कि शिक्षा साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं, जो भी यूपी स्पेशल की क्वेश्चन बनते हैं शिक्षा साहित्य या पत्र पत्रिकाओं से, उससे रिलेटेड ये मैं क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये है आपका आगरा में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? आपका मदन मोहन मालवीय जी ने, मदन मोहन मालवीय जी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? यह है आपका मथुरा में, ऑप्शन सी। और उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला भी मथुरा ही है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन आया था, एक बार पूछा जा चुका है ये कि सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है उत्तर प्रदेश में, तो सबसे कम वर्षा होती है आपकी मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? ये है आपका झांसी में, ऑप्शन बी। कल्प योजना संबंधित है, तो कल्प योजना संबंधित है किससे संबंधित है कल्प योजना? तो कल्प योजना संबंधित है आपका प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, तो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित कहाँ पे किया गया है? यहाँ पे किया गया है चित्रकूट में। तो मैप में देख लेते हैं चित्रकूट, मैप में कहाँ पे पड़ता है। तो ये है आपके सामने उत्तर प्रदेश का मैप, इसमें देखते हैं हम चित्रकूट कहाँ पड़ता है। पहले देखते हैं आगरा कहाँ पड़ता है, क्योंकि आगरा का भी हमारे से एक क्वेश्चन आया था। आगरा आगरा आगरा, ये रहा आगरा, ठीक है, ये रहा आपका आगरा, ये रहा मथुरा। तो आगरा और मथुरा दोनों राजस्थान से सीमा बनाते हैं, और मथुरा हरियाणा से भी सीमा बनाता है, ध्यान रखिएगा। और अभी बात की थी चित्रकूट की, तो ये रहा दोस्तों मैप में आपका चित्रकूट, ये है चित्रकूट, जो क्या किससे सीमा बनाता है? एमपी से, ठीक है, मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। तो चित्रकूट का जिक्र हमारे रामायण वगैरह में भी हुआ है। शबरी नाम की जो थी लेडीज़ थी, या शबरी नाम की जो भक्त थी, वो राम की प्रतीक्षा में वहाँ पर रहती थी, और बेर वगैरह उन्होंने खिलाए थे, कुछ ऐसी स्टोरी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। तो कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? आपका ये होती है गोरखपुर से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? ये आपका है बदायूं और जौनपुर में, ऑप्शन बी। मैप में देख लेते हैं बदायूं और जौनपुर कहाँ पड़ते हैं। तो मैप में जैसे कि हम देख रहे हैं कि बदायूं ये रहा आपका, ठीक है, बरेली और कासगंज इधर, और इधर आपका शाहजहाँपुर, फरुखाबाद और संभल से आपका सीमा लगाता है, ठीक है, रामपुर से भी सीमा लगाता है, ठीक है, और ये है आपका जौनपुर, एक सेकेंड, ये है आपका जौनपुर। ये किस किस से सीमा लगाता है? ये आपका लगाता है सीमा सुल्तानपुर से, आजमगढ़ से, और प्रतापगढ़ से, इलाहाबाद से, और वाराणसी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। तो उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये है आपका लखनऊ में। लखनऊ भी मैप में देख लेते हैं एक बार। तो लखनऊ आपका ये रहा लखनऊ, लखनऊ जो है राजधानी है हमारी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। इससे लगने वाले जो जो ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं? उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, और ये है आपका रायबरेली, ठीक है। तो मैप इसलिए ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, मैप मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ज़िले वगैरह याद रहें, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा ज़िला किससे टच करता है कई बार। दसवां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है, तो वो कौन से बच्चे हैं, किस उम्र के बच्चे हैं? वो हैं 14 वर्ष के बच्चों,
14 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है विश्व भारती पुरस्कार? ये है आपका संस्कृत संस्थान के द्वारा। इसकी जो संस्कृत संस्थान है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1976 में हुई थी दोस्तों। इस संस्कृत संस्थान ही है जिसके अंदर व्यास सम्मान, सॉरी व्यास महोत्सव समारोह आयोजन किया जाता है। कितने दिन का समारोह होता है? 5 दिन का समारोह होता है, ठीक है, व्यास महोत्सव जो है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन, निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसे सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है, ठीक है, सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है, तो कौन सा है? महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ, सही है ये। अमेठी विश्वविद्यालय गाजियाबाद, अमेठी विश्वविद्यालय जो है वो आपका कहाँ पर है? नोएडा में पड़ता है, जो गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, ठीक है, नोएडा, नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है, तो नोएडा में पड़ता है ये, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी गलत हो गया, यानी कि आंसर हो गया हमारा बी। विद्यावाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? तो विद्यावाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? ये है आपका कंप्यूटर शिक्षा पर, ठीक है, कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, तो उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? ये है आपका 1989 में, मुलायम सिंह की सरकार थी उस समय, ध्यान रहिए। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई, तो हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कहाँ की गई है? ये है आपका इलाहाबाद में। इलाहाबाद देख लेते हैं दोस्तों मैप में कहाँ, तो ये है आपका इलाहाबाद, ठीक है, जिसका अभी आधुनिक नाम क्या हो गया? प्रयागराज हो गया है, अभी प्रेजेंट में इसका नाम प्रयागराज है, और ये MP जो राज्य है उससे सीमा बनाता है। और इसके पड़ोसी ज़िले कौन कौन से हैं? पड़ोसी ज़िले देख लेते हैं, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, संत रवि रविदास नगर और मिर्ज़ापुर, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल? 6 जिले इसके साथ सीमा बनाते हैं और एक राज्य इसके साथ सीमा बनाता है प्रयागराज के साथ, ठीक है, जिसका पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया, तो प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1995 में। 17वां क्वेश्चन, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? तो 1916 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ये था आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी आपका? ये हुई थी 1887 में, ठीक है, और 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1920 में, और इसे केंद्रीकृत कर दिया गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया 1975 में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आपका मेरठ में स्थित है। मैप में देख ले मेरठ कहाँ पड़ता है, ये है दोस्तों आपका मेरठ, ठीक है, मेरठ। मेरठ से कौन कौन, मेरठ ज़िले से कौन कौन से ज़िले सीमा बनाते हैं? ये है आपका बागपत, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर और मुजफ्फरपुर। तो टोटल कितने ज़िले सीमा बनाते हैं? 6 जिले सीमा बनाते हैं। 19वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका कौन सा है? ये है आपका BHU वाराणसी, ठीक है, ये BHU वाराणसी सबसे पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है UP का, ठीक है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी देख लेते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी आपकी 1920 में, और यह 1975 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसे प्राप्त हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1989 में, और इसको जो केंद्रीकृत किया गया उस वो किया गया था 1996 में, ठीक है। ऐसे इलाहाबाद, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उसको भी, उसकी स्थापना जो हुई थी 1887 में हुई थी, और उसको 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन हो गया हमारा ए, ठीक है, सबसे पहला कौन सा है केंद्रीय विश्वविद्यालय? BHU वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं,
कन्हैयालाल माणिक्यलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित कहाँ पर स्थित है? यह है आपका आगरा में, ऑप्शन ए। और ये कब अस्तित्व में आया था? ये आया था 1953 में। मैप में देख लेते हैं आगरा कहाँ पड़ता है। तो आगरा आपका पड़ता है, ये रहा आगरा, ठीक है। आगरा जो बनाता है सीमा किस किस से बनाता है? ये बनाता है थोड़ी सी मध्य प्रदेश से और राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? तो कौन राज्य विश्वविद्यालय है? यह है आपका डॉक्टर मनमोहन लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। नेक्स्ट पे चलते हैं, 22वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट से सही उत्तर चुनिए। तो उत्तर कथन और कारण दे रखा है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं आजकल। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है, ठीक है। मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना रखना उसका उद्देश्य है, ठीक है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, ठीक है, सही है। और एक ही ए सही व्याख्या आर है, ठीक है, व्याख्या भी करता है और कथन और कारण दोनों सही हैं। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 23वां क्वेश्चन। पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्टंड, ठीक है, जो 1826 में कलकत्ता में कानपुर के संपादक के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ, इसके संपादक थे। तो इसके संपादक कौन थे? ये थे आपके पंडित जुगल किशोर मिश्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था, तो कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया आपका 2001 में, 2001 में। 25वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है, तो कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? ये है आपकी चार। कौन कौन सी है मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये है आपके राज्य कृषि विश्वविद्यालय। तो इनमें से पहला है आपका चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, जो कब इस चीज की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। दूसरा कौन सा है? आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। तीसरा कौन सा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, जिसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में। और चौथा कौन सा है? बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में, ठीक है। तो एक और जो था सन 2000 में बना था, मगर लेकिन उसे 2016 में आपका डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये 2013 का क्वेश्चन है, इसलिए इसको इसने कंसीडर नहीं किया। लेकिन अगर अब क्वेश्चन बनता है तो अब पाँच हो जाएंगे। ये वाला कौन सा है? पाँचवा कौन सा है? सैम हिगिन बाटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस विश्वविद्यालय नैनी ईला, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये पाँच विश्वविद्यालय हैं। पाँचवा जो है वो 2016 में बना है डीम्ड विश्वविद्यालय, इसलिए उसको कंसीडर नहीं किया, खाली चार लिया है। और क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी, तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1976 में, 1976 में संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां, उर्दू उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? ये हुई थी आपकी 1972 में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 28वां, काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे, तो काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? ये थे आपके बाबू शिव प्रसाद गुप्त, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन सी। और ये कहाँ पर है काशी विद्यापीठ जो है? ये है वाराणसी में, और उसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1921 में,
ठीक है, काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। अगला क्वेश्चन 30वां, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया, तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शुरू किया गया था 2004 में, ऑप्शन ए। 30वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय है कितने हैं? ये हैं आपका चार, चार केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। दिखा देता हूँ मैं कौन कौन से, तो ये हैं आपके चार केंद्रीय विश्वविद्यालय। पहला इनमें से पहला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, जिसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1916 में। दूसरा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, जिसकी स्थापना हुई थी 1920 में, वगैरह से केंद्रीय दर्जा मिला था 1975 में। तीसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, जिसकी स्थापना तो 1989 में हुई थी, लेकिन इसको जो केंद्रीय दर्जा मिला था वो कब मिला था? 1996 में। और चौथा है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी, लेकिन इसको जो केंद्रीय दर्जा मिला था वो मिला था 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 31वां क्वेश्चन, प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया, तो पोषाहार सहायता द्वारा सहायता के लिए कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया था आपका 1995 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे, तो हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? ये थे आपके मदन मोहन मालवीय जी, ऑप्शन सी। 33वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया, तो कब किया गया था? 1968 में। और लास्ट क्वेश्चन आज का, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि तथा तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये है आपका मेरठ में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में। ठीक है, सन 2000 में स्थापना हुई और जो है ये मेरठ में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इसी तरीके की वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन प्लस प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि आपको और भी इसी तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।